ठगी नहीं हुई है इसमें। एक महिला हैं श्रीमती कुसुम, जो अपने जवाहर नाडी चंद्रवर्धय नगर के रहने वाली हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है कि इनके जो पति हैं वो रेलवे से रिटायर्ड हुए थे। रिटायरमेंट के बाद इनके पति ने इनके नाम से संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें धन निवेश किया था। अलग अलग मद में इन्होंने अलग अलग जो पॉलिसीज़ होती हैं वो प्लस FD वगैरह कराई थी, जिसमें इनको 12.5% ब्याज का इनको प्रलोभन दिया गया था। इन्होंने अलग अलग मद में 1 लाख रुपये एक करवाए हैं, 1.25 लाख रुपये एक करवाए हैं, 50,000 एक करवाए हैं, 60,500 एक करवाए हैं। ये पैसे इन्होंने जमा करवाया। जमा करवाने के बाद इन्होंने जब संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी के बारे में अखबारों में पढ़ा, तब इन्होंने आगे पता किया। यहाँ पे तो बताते हैं, इनका केसरगंज में पहले कोई संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी का कोई ऑफिस हुआ करता था, तो वहाँ जाके इन्होंने देखे तो वहाँ ताले लगे हुए थे। तब इन्होंने संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो लोग हैं, नरेंद्र टाक, नरेश सोनी, किशन सिंह, देवी सिंह, शैतान सिंह, विनोद कंवर और नारायण सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया। हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और इसके संबंध में अनुसंधान जारी है। इनके बारे में जो इनका ट्रांजेक्शन हुआ है, प्लस इनकी जो FDR वगैरह पॉलिसीज वगैरह हैं, उनके बारे में अनुसंधान कर आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। कुल कितने का मामला है? ये कुल 3.5 लाख के लगभग का मामला है।